इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर सियासत लगातार जारी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने के बाद भी। एक तरफ बीजेपी ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को निशाने पर ले रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अब भी अपने पुराने रुख पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। 11 महीने से इस देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग से 10 मिनट का टाइम मांग रहे हैं, और हमारी क्या मांग है कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग करा लीजिए। निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी इस देश के चुनाव आयोग पर है। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें वीवीपीएटी पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों से 100% मिलान का अनुरोध किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव के लिए बैलेट पेपर सिस्टम की मांग को भी खारिज कर दिया है। अब जरा ईवीएम के मामले पर सियासी बयानों को सुनिए, फिर आपको वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बयान भी सुनवाएंगे। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दो घंटे पहले ही मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। 11 महीने से इस देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल
चुनाव आयोग से 10 मिनट का टाइम मांग रहे हैं। और हमारी क्या मांग है कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग करा लीजिए। निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी इस देश के चुनाव आयोग पर है। अगर 140 करोड़ की जनता में एक व्यक्ति के मन में भी अपने वोट को लेकर संशय होता है, उस संशय को दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग इस पर क्यों नहीं हमें 10 मिनट का वक्त दे रहा है? असलियत यह है कि चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। विपक्ष आपसे 10 महीने 11 महीने से टाइम मांग रहा है, आपके पास 10 मिनट का टाइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे, दूसरे चरण का मतदान आ जाए, चुनाव आयोग देना टाइम। चुनाव आयोग क्या करने के लिए है? निष्पक्षता तो ऐसी है कि जहरीला बयान मोदी जी का आएगा, नोटिस नड्डा जी को दिया जाएगा, कोई सरिला के छोटे से बेबी है मोदी जी छुई मुई की उनको दे देंगे तो बेचारे कुमला जाएंगे। ये निष्पक्षता है चुनाव आयोग की। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नड होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नड मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट सॉरी ईवीएम यूनिट्स की बर्नड मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरख्वास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी।